हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि आपको पता होगा, UPL कंपनी का शेयर अपने ऑल टाइम हाई के रिकॉर्ड के आसपास था और जैसे इसका Q3 का रिजल्ट आया था, देखो रिजल्ट के बाद दोस्तों इसमें काफ़ी बड़ा करेक्शन देखने को मिला, मतलब काफ़ी डाउन साइड इसमें गिरावट देखने को आपको मिली थी। लेकिन अब क्या करना चाहिए यहाँ पे, क्या इसमें अभी क्या समय सही है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी है जो मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है। देखो, अगर आप अभी की प्राइस पे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो दोस्तों एक बार मैं आपको बोलूँगा कि एक बार इसका रिसर्च कर ले, स्टडी कर ले और ये बात ध्यान रखें कि इसका Q4 का रिजल्ट बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो शेयर दोस्तों 100% अपर सेकंड में जाएगा। अगर दोस्तों रिजल्ट Q3 के हिसाब से Q4 का आएगा तो ये कन्फर्म बात है कि दोस्तों स्टॉक में फिर से आपको ये हो सकता है कि आपको 200 रुपये की प्राइस भी देखने को मिल जाएगी। कल की बात कर ले, अगर कल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है तो आपको इसकी प्राइस 500 रुपये तक की देखने को मिल जाएगी। अगर मार्केट डाउन जाएगा तो इसकी प्राइस दोस्तों 478-82 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। धन्यवाद।